आयो लाल सबे झूले लाल आज पूरा देश तो ठीक है ना शहीद दिवस मना रहा है। आज के दिन ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका बलिदान हुआ था और हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया और आज का ही दिन हम हेमू कालानी जी का शताब्दी समारोह भी मना रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। साथियों, शहीद हेमू कालानी जिनका बलिदान आज सारा देश उनको याद करता है कि बहुत कम उम्र के अंदर देश के प्रति समर्पित, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना जीवन देने वाले हेमू कालानी जी ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया। लेकिन उनकी शहादत इसलिए भी याद रहती है कि उन्होंने अपने आप को फांसी पे फंदे पर लटकने का निर्णय करते समय उन्होंने कभी अपने साथियों के नाम नहीं खोले, सारा दोष अपने ऊपर लिया। इतनी कम उम्र में शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान आज सारा देश याद करता है। सिंधी समाज एक पुरुषार्थ समाज है जिन्होंने पुरुषार्थ के साथ अपनी जिंदगी को जिया है। जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय लाखों लोग सिंधी प्रांत से वहां के हत्याचार जुल्म के कारण देश से पलायन कर भारत आए, एक शरणार्थी की तरह अपना सब कुछ छोड़कर वो भारत आए। लेकिन उन्होंने भारत में आकर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मयोगी से उन्होंने इस देश में एक स्थान बनाया। आज जब आजादी की 75 वर्ष की यात्रा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय सिंधी समाज का योगदान भी भारत हमेशा याद रखता है। सिंधी समाज एक विशाल समाज है जिसने छोटे छोटे व्यापार के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, एक पुरुषार्थ के माध्यम से इस देश का गौरव सम्मान बढ़ा है। सिंधी समाज का चरित्र कर्मयोगी है। यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार, यहाँ की महिलाएं हो, यहाँ के बच्चे हो, उनके संस्कारी कर्मयोगी के हैं और हमेशा मेहनत के आधार पर, कर्म के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को जिया है। केवल अपने लिए नहीं जिया, इस देश के अंदर ये सिंधी समाज ही है जिसका एक चरित्र है
सामाजिक सेवा, एक आध्यात्मिक धर्म को मानने वाला समाज भूखे को भोजन कराना हो तो भंडारे लगाने का काम सिंधी समाज ने किया, प्यासे को प्याव लगाकर पानी पिलाने का काम सिंधी समाज ने किया। आज भी देश के अंदर आप चले जाएं, सबसे पहले अगर भंडारे की शुरुआत करियो, किसी को पानी पिलाने की प्याव की शुरुआत की हो, धर्मशाला राहगीरों के लिए धर्मशाला बनाने की बात हो, स्कूल बनाने की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो, ये समाज एक ऐसा समाज है कि अपने कर्मयोगी के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, जहां उन्होंने एक पुरुषार्थ से अपने पैरों पे भी खड़े हुए, वहीं अपने चरित्र से उस समाज की सेवा करने का भी काम किया। यही नहीं, देश से बाहर भी किसी भी हिस्से में चले जा, अभी हम कुछ दिनों पहले हमारे मित्र शंकर लालवानी जी के साथ दुबई गए थे, वहां भी सिंधी समाज ने किस तरीके से, जब वहां पर पीने का पानी नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, उस समय लोग पहुंचे और वहां पर अपने कर्मयोगी के द्वारा मेहनत के आधार पर काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, दुकान पर नौकरी करने गए थे, लेकिन आज वो लोगों को काम दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और वहां के लोगों के जीवन के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान। और इसीलिए ये कर्मयोगी समाज इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हेमू कालानी जी का शताब्दी वर्ष मना रहा है। हम सब हेमू कालानी जी के बलिदान को स्मरण करते हुए अपने कर्मयोग के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र और देश में इसी तरीके से समर्पित होकर काम करते रहेंगे। हमने 75 साल की यात्रा पूरी की है, जब आज़ादी के 100 साल हो तो दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति पे हो और उसमें सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बोले भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी।